आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स सुजुकी शोरूम किल्लाई नाका बालाकोट रोड दमोई। गाड़ी खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। LIC में शहरी एजेंट भर्ती 6000 हर माह, 20 से 25000 कमीशन, केवल 25 पद। जल्द संपर्क करें, योग्यता 12th पास, उम्र 25 वर्ष। संपर्क करें आशीष जैन, LIC विकास अधिकारी दमोह। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। चंद दिनों के मासूम को नाबालिग मां ने उतारा मौत के घाट, दुष्कर्म की घटना से प्रभावित हुई थी पीड़िता मां। मामला है दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में। एक अजीब और गरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग मां ने अपने ही चंद दिनों के नवजात बच्चे की रस्सी से घोटकर हत्या कर दी। पूरा मामला करीब एक वर्ष पहले जनवरी 2021 से जुड़ा हुआ है, जब 15 वर्षीय किशोरी के साथ 17 वर्षीय किशोर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ित नाबालिग किशोरी गर्भवती हो गई और करीब कुछ दिन पहले पीड़ित नाबालिग ने एक बालक को जिला अस्पताल दमोह में जन्म देने के बाद वह अपने घर पहुंची थी, लेकिन उसने घर पर रस्सी से अपने नवजात शिशु का गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा पंचनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर जब उसकी मां से बच्चे की मौत के बारे में पूछताछ की गई तो आरोपी मां के द्वारा अपने ही नवजात का गला घोंटकर हत्या करने का मामला स्वीकार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने पीड़िता पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी नाबालिग किशोरी को न्यायालय में पेश कर न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद बाल सुधार गृह में भेज दिया है। विगत दिनों तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र में एक अजीब घटना घटित हुई है। 20-22 दिन के एक नवजात शिशु की गला घोट करके उसकी हत्या हुई। मर्ग जांच के दौरान यह पाया गया है कि इसका गला घोटा गया है। जब डिटेल इसकी जांच की गई तो उसकी मां के द्वारा ही जो है उसका गला घोट करके उसकी हत्या की गई है। जब मां से पूछा तो उसके साथ भी एक अजीब घटना है कि वो 17 वर्ष की युवती थी और एक नाबालिग युवक के द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया और जिसे वो प्रेग्नेंट रह गई थी, अविवाहित थी, और उसकी रिपोर्ट पर भी उस युवक को भी 376 पाक्सो एक्ट के तहत बंद किया था। बाद में जब डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद उसने लोकलाज शर्म के कारण से अपने जो बिल्कुल नवजात शिशु की जो है उसने हत्या कर दी।